श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब बिजली बल्ब में प्रवेश करती है तो उस उपकरण के अनुसार बिजली का प्राकट्य होता है। यदि बल्ब हो तो प्रकाश के रूप में प्रकट होगी, यदि फैन हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में प्रकट होगी, यदि हीटर हो तो गर्मी के रूप में प्रकट होगी। वैसे देखा जाए तो बिजली में ये तीनों नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, मैग्नेटिक भी फील्ड नहीं है, ना तो गर्मी है। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य जब देह में प्रवेश करता है तो उस समय जीवन प्रकट होता है। इस जीवन को ही हम लोग गलती से जीव कहते हैं। अब ये जो जीव है, यह जीव किस प्रकार से इसको धारण करता है? तृतीय प्रश्न में पूछा था, कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, आत्मानं वा प्रयुभज्य कथम प्रातिष्ठते, केन उत्क्रामते कथम बाह्यम अभिधत्ते अध्यात्मम कथमिति। तो नमो नारायण। तो किस प्रकार से यह जीवन अंदर बाहर को ठीक करके रखता है, ये प्रश्न था। तो उसमें हमको बताया था कि जैसे जीवन देह में प्रकट होता है तो उसमें पहले कैसा प्रवेश करता है। तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य के शरीर में छाया होती है और वह छाया दर्पण के सामने आने के बाद प्रकट होती है, इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य में यह जीवन देह सामने आने के बाद ही प्रकट हो जाता है। उसके पश्चात कहते हैं फिर ये किस प्रकार से अपने आप को बांट करके रहता है? तो कहते हैं पांच प्राणों के रूप में यह अपने आप को बांटता है। पायुपस्थ में अपान, चक्षु श्रोत्र में प्राण, और मध्य सेंटर में समान, और ये समान वायु सब अन्न को डाइजेस्ट करके दो आंखें, दो कान, दो नाक और मुख, इन सात ज्योतियों को प्रकाश देता है, शक्ति देता है। और फिर यह जो जीवन है, आत्मा है, जीव है, यह कहाँ रहता है? तो कहते हृदि एष आत्मा, यह हृदय में है। देखो इसीलिए हम सभी लोग अनजाने में जब कहते हैं ना कि मैंने कहा तुमको, तो व्यक्ति मैंने कहा तुमको कह के अपने कमर की तरफ हाथ नहीं दिखाता, क्योंकि मैं का भाव केवल हृदय में ही प्रकट होता है। इसीलिए हृदि एष आत्मा। फिर यहाँ जो 72,000 नाड़ियां है उसमें से जो वायु चलता है उसको व्यान कहते हैं, व्यान वायु। तो चार हो गए, अब पांचवा जो प्राण है, अथ एकयो ऊर्ध्व उपानहा पुण्येन पुण्यम लोकम नेति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। और तो यह जो उदान वायु है यह हमको इस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा पुण्य पाप के अनुसार हमको अच्छे बुरे लोगों में ले जाता है, और दोनों का बैलेंस ठीक रहा तो मनुष्य लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार से यह जीव की गति बताई है, कैसे जीव देह में आता है, कैसे रहता है और कैसे यहां से वापस चला जाता है। उसके पश्चात ये अंदर की बात हो गई, अब बाहर में यह प्राण किस प्रकार से इस जगत को धारण करता है, ध्यान से सुनना। जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। तो ये दोनों का अब सामंजस्य बताते हैं। आदित्यो हवई प्राण प्राण उदयति एष हेनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृहणानः। तो
तो जो अंदर में प्राण वायु है जिसके कारण इंद्रिय आंखें इत्यादि चलती है, उसी प्रकार से बाहर के जगत का जो प्राण है वो आदित्य सूर्य है। और यह जो सूर्य है, जैसे सूर्य का उदय हो गया उसी समय आंखों में दृष्टि प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से बाहर का प्राण सूर्य और अंदर का प्राण चक्षु, इन दोनों के मिलाप से यह जीवन चल रहा है। इसी प्रकार से अपान वायु क्या है, कहते पृथिव्याम या देवता सैषा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य अंतरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। अब अपान वायु की बात करते हैं। यह जो अपान वायु है, पृथिवी अभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुष से अपानम अपानिवृत्तम अवष्टभ्य आकृष्य वशीकृत्य अध एव अपकर्षणात् अनुग्रहम कुर्वन्ति वर्तते इत्यर्थः। अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वान् पतेद सावकाशे वो गच्छेत। तो यह जो पृथ्वी की जो देवता है, ध्यान से सुनना, पृथ्वी की देवता को हम लोग कहेंगे आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पृथ्वी की है, ये समष्टि की अपान वायु है, और हमारी जो व्यष्टि की अपान वायु है वो नीचे के दो ऑर्गन्स में, जननेन्द्रिय और गुदेन्द्रिय, इसमें कार्य करता है। तो यह जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, यही इस देह को पकड़ के रखती है। यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना हो तो ये देह आकाश में उड़ जाएगा। तो समष्टि प्राण व्यष्टि प्राण, समष्टि अपान व्यष्टि अपान, उसी प्रकार से आगे कहते हैं अपानम अवष्टभ्य अंतरा आकाशः। और यह पृथ्वी और जो ऊपर है, इन दोनों के बीच में जो है, उस आकाश को ही कहते हैं कि यह समान वायु है। आकाशः स समानः, क्योंकि यही सब समानता से रहता है। और वायु ही व्यानः, और यह जो वायु है आकाश में चलने वाला, यही व्यान प्राण है। इस प्रकार से व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों का संबंध है। इन दोनों के संबंध के सिवा व्यक्ति का जीवन असंभव है। इस प्रकार से यह जीव इस जगत में रहता है, और इसीलिए हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व तो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर अवलंबित है। देखो, मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए अहंकार हो जाता है। इस सब लोग हम यहाँ आ गए सत्संग के लिए, हमको लगता हम आए, इसमें कितनी लोगों का हाथ है। देखो, वातावरण ठीक रहा, कोई भूचाल नहीं आया, कहीं स्ट्राइक नहीं हो गया, कहीं बिजली नहीं कड़की, किसी को हार्ट अटैक नहीं आया, ये स्थान उपलब्ध हो गया, कहीं गुंडागर्दी नहीं चल रही है, कितनी चीजों को इकट्ठा होने के पश्चात यह कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसे लगता है कि देखो मैंने ये किया। महाराज, हम 2 मिनट सांस नहीं ले सकते अपने चॉइस से। इसीलिए यह पूरा प्रश्न बताने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने इस व्यक्तित्व का त्याग करके समष्टि के साथ मिल जाए, यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, जो भी हम तत्व सीखते हैं उसका प्रयोग अपने जीवन में आना है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में सिद्धांत बताते, फिजिक्स के क्या सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पकड़ने के पश्चात फिर उसी को लगा करके हवाई जहाज का उड़ना, गाड़ियों का चलना, ये सिद्धांत अप्लाइड गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से शास्त्रों का जो अध्ययन है वो है साइंस। अब उसको जीवन में अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करना है ये हर एक को अपने आप को ढूंढना है, तब जा करके जीवन में साधना दृढ़ हो जाती है। अन्यथा ये मनीराम कभी भी हमको परेशान कर सकते। इस प्रकार से व्यष्टि और समष्टि ये दोनों एक है। देखो, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि चिंतन नहीं करते। उदाहरण के लिए, हमारे अंदर का वायु, हवा, और बाहर की हवा, इनका संबंध यदि तोड़ दिया जाए तो एक क्षण में मृत्यु। इसी प्रकार से हमारे अंदर की गर्मी और बाहर की गर्मी,
इनका दोनों का संबंध टूट जाए तो हमारी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे अंदर का ज्ञान और समष्टि का ज्ञान, इसका संबंध टूट जाए तो हमारी सत्ता नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति के इस जीव को समाप्त करके हमारा यह जीवन है, ये समझाने के लिए ये सब प्रसंग है। इसीलिए जो जीव जीव समझते हैं तो फिर आपको पाप होगा, पुण्य होगा, पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए उपनिषदों का तात्पर्य यही है, मैं को मुक्त नहीं करते, मैं से मुक्त करते हैं। हमारी समस्या यह मैं मात्र है, इसी को केवल समझना है। इसीलिए भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वई अहम एव वेद्यः, यह जो मैं है यही जानने योग्य है। इस प्रकार से कहते हैं कि तेजो हवई उदानः तस्मा उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमानैः। तो यह जो तेज है अपने में वही उदान वायु है, और इसी के साथ जब यह उष्मा शांत हो जाती है शरीर की, तो कहते हैं कि हमारी इंद्रिय मन जो है वो सब इंद्रिय बुद्धि मन में वापस चले जाती है, और इसके साथ फिर दूसरा जन्म मन के ही कारण आ जाता है। यद बाह्यम हवई प्रसिद्धम सामान्यम तेजा तत् शरीर उदानम उदानम वायु अनुगृहणाति। तो बाहर की जो गर्मी है वही शरीर के अंदर की गर्मी उदान वायु है। यस्मात् तेजः स्वभावो बाह्य तेज अनुग्रहिता उत्क्रांति करता तस्मात् यदा लौकिका पुरुषा उपशांत तेजा भवति उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य सः तदा स क्षीण क्षीणायुषम मुमूर्षु विद्यात्। जब उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लग जा ठंडा होने लग जाता है, तब कहते हैं अब ये मरने के लिए डेथ बेड पर पड़ा हुआ है। स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपद्यते, और जैसे ये शरीर शांत ठंडा हो गया तो यहां से उदान वायु माने इस तेज के कारण यह जीव जो है निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। किस प्रकार से सह इंद्रिय ही मनसे ही संपद्यमान है, जितने इंद्रिय मन बुद्धि है उन्हीं को लेकर के यह उदान वायु के शक्ति से यह जीव देह से निकल करके अन्य देह में प्रवेश कर लेता है। गीता में इसी प्रकार से इसी को भिन्न प्रकार से कहा है। वहां कहते हैं ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरम यदवापनोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरा गृहित्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात् श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च मनश्चायम। इस प्रकार से यह जीव इन सब को लेकर के एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करता है, और फिर मरण काले उस समय क्या होता है, यत् चित्तः तेन एष प्राणम आयाति प्राण तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम लयति। तो जिस प्रकार से मन में संकल्प हो गए, मन में अंतिम विचार होगा, अंतिम मृत्यु होगी, उसके अनुसार यह जो जीव है उसके अनुसार वो अन्य देह को प्राप्त हो जाता है। देखो भगवत गीता कहती है यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम। मरते समय जो अंतिम मृत्यु होती है, अंतिम विचार होता है, उस विचार को ही कहते हैं हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट। उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। ध्यान से सुनना, एक बार हम स्विट्जरलैंड गए थे हमारे मित्र के साथ, पति पत्नी और उनकी दो कन्याएं। अब दोनों कन्याएं बड़ी हो गई, एक की शादी होगी, दूसरी की होनी है, छोटी थी दोनों, होगी कोई बड़ी थी 11 साल की, छोटी 9 साल की। और हम लोग गए एक जगह किसी रेस्टोरेंट में गए स्विट्जरलैंड में, बड़ा सुंदर स्थान। तो ये जो पति पत्नी थे वो देख रहे थे क्या उपलब्ध है वगैरह, और हम एक टेबल पर बैठे थे बच्चों के साथ। उतने में एक मैडम आई शॉर्ट स्कर्ट पहन करके, और उसके एक पर्स थी ऐसी, पर्स उसने निकाली, पर्स में से उसने एक छोटा सा कुत्ता निकाला, पर्स में रखा हुआ, इतना सा कुत्ता, 8 इंच भी ऊंचा नहीं होगा, छोटा सा, निकाल करके उस पर रखा। उसको रिबन बांधी थी, बो बांधा था, बहुत सुंदर कपड़े पहनाए थे,
और पैरों में कुछ ऐसा चिन-चिन करने वाला लगाया था और उसको रखा, कहते हैं उसको, कहती है, हनी डार्लिंग प्लीज वेट हियर, आई एम गेटिंग समथिंग फॉर यू। और वो डम्बो कुत्ता बैठा रहा, अपने आगे कुत्ते कैसे जिंग होते, तो बैठा रहा। और फिर वो चली गई और वो कुत्ता कुछ नहीं हिल रहा वहां से। तो ये दो कन्याओं ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये कुत्ते ने क्या किया होगा पिछले जन्म में कि इसको ऐसा जीवन मिला है। हमने कहा ये बहुत धर्मात्मा होगा, उसने बहुत पुण्य कमाए होंगे, लेकिन मरते समय उसको कुत्ते की याद आ गई हो, इसीलिए अगले जन्म में कुत्ता। लेकिन जो धर्म का पुण्य फल है ऐसे जगह पैदा हो गया है कि जो बड़े बड़े राजाओं को नहीं मिलता वो उसको आराम मिल रहा है। इसीलिए मरने के पहले अपने विचारों को ठीक रखना। प्राण प्रयाण समय कफवात चित्त ही कंठा विरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। जब जिंदगी भर भगवान का नाम लेंगे ना, और जब भगवान का नाम लेने में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा ही भगवान का नाम मरते समय हमारे मन में हृदय में आता है। मरते समय व्यक्ति के प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं, प्रयत्न काम नहीं करते। एक हमारी सिक्किम की अम्मा थी, नहीं रही, हमसे बड़ी क्लोज थी वो, बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल जवानी थी। जब वो मरी तब हार्डली 52 साल की होगी, उसको कुछ हो गया और फिर उसकी वाणी चली गई और पड़ी रहती, इतना ही कहती थी स्वामी जी, और आगे बोली नहीं पाती। हम उस समय अमेरिका में थे तो उसने कितने बार स्वामी जी, और फिर नहीं बोल पाते। तो वो मरने के बाद जब मैं वापस आया तो उसके लड़के ने मुझे फोन किया कि मामा का देहांत हो गया और वो मरने के पहले केवल स्वामी जी स्वामी जी इतना ही कहती थी। उसको आगे कुछ कहना होगा, लेकिन जहां मृत्यु आ जाती है सब के सब प्रयत्न शांत हो जाते, यू कैन नॉट पुट एफर्ट्स। इसीलिए जिंदगी भर जब भगवान का नाम लो ना, तभी जाकर के मरते समय सहजता से प्रभु का नाम हृदय में प्रकट होता है। और यदि जिंदगी भर खाने में लगे, ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ वैसा खाओ जिंदगी भर। एक बुढ़ाओ थे मृत्युशैया पर, और डॉक्टर ने बता दिया अब राम बोलो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सभी बच्चे आ गए, पापा जी अब डॉक्टर ने तो बोल दिया है, अब आपकी क्या इच्छा है बताओ, पूरी कर देते हैं। देखो बेटा, ये डॉक्टरों ने पिछले 6 महीने से मुझे कुछ खाने नहीं दिया, ये मत खाओ वो मत खाओ, पूरा मुझे दवाई खिला खिला के मुश्किल कर दिया। अब मरना है, कम से कम मरते समय तो मुझे चिकन अब मरते समय आखिरी विचार रहा चिकन, तो अगले जन्म में कॉक 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 पैदा हो गए। तो जैसा जैसा हमारा अंतिम संकल्प होता है, उस संकल्प के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। देखो महाराज, इसीलिए ये सब कहने का तात्पर्य यही है कि अपने संकल्प को, यदि निस्संकल्प हो आप, तो ध्यान से सुनना, कोई भी संकल्प नहीं है, तब ध्यान से सुनना, उपनिषद कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण निकल नहीं जाते, अत्र ब्रह्म समश्नुते। जैसे एक कोई घट हो और घट फूट गया तो उसका आकाश बाहर निकल करके आकाश के साथ नहीं मिलता, इसी प्रकार से जिसका देहात्म भाव शून्य हो गया हो और जिसने जीवात्म भाव का त्याग कर दिया हो, और जीवात्म भाव का त्याग होने के कारण अंतःकरण में एक भी वृत्ति निर्माण नहीं होती, तो इस वृत्ति रहित स्थिति में जब देह भंग हो जाता है तो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। वह जो जीव शरीर से निकल के नहीं जाता, क्योंकि जीव अत्र ब्रह्म समश्नुते, वह परमात्मा में मिल गया है। यही बात भागवत महापुराण की है महाराज। परीक्षित महाराज को देह रहते हुए ही परमात्मा की उपलब्धि माने ब्रह्म ज्ञान हो गया था, इसीलिए जो सांप ने डसा वो उस मुर्दे को डसा था, उनको नहीं डसा था।
देखो तो ये सब का तात्पर्य अपने को जीव समझने में नहीं है। तो यह जो जीव की गति है, यह चित्तहा तेन एष प्राणम आयाति। तो जैसा चित्त होगा, जैसे संकल्प होगा, उसी के अनुसार यह प्राण देह से आता जाता रहता है। और सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो जैसे जैसे संकल्प है वैसे वैसे वो जाता है। यत् चित्तः भवति तेनैव चित्तेन संकल्प इंद्रियैः सह प्राणम मुख्य प्राणवृत्ति आयाति। मरण काले क्षीण वृत्ति क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन मुख्यया प्राणवृत्तिः अवतिष्ठते इत्यर्थः। तो मरते समय सभी की सभी वृत्तियां शांत हो जाती है, केवल अपने मैं का ही भान रहता है। और उस समय तद अभिवदन्ति न्याय उन्यातयः उश्वसिति इति। तो सिर पड़ा हुआ है, अब इंद्रिय मन बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन सांस चल रही है। तो लोग कहते अभी मरा नहीं, अभी सांस चल रही है। वह जो प्राण है वो अंतिम संकल्प के अनुसार एक देह से दूसरे देह में जाता है। और यदि उस प्राण ने, उस जीव ने अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचान लिया है तो उसको कहीं जाने आने का चक्कर नहीं। यह एवं विद्वान प्राणम वेद न अस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोका। तो यहाँ कश्चिदेव विद्वान यथोक्त विशेषण ही विशिष्टम उत्पत्त्यादि भी प्राणम वेद जानाति। इस प्रकार से जो विद्वान इस प्राण का जन्म, ध्यान से सुनना, प्राण का जन्म, प्राण का माने जीव का जन्म, जीव का शरीर में रहना, जीव का रह करके शरीर में सुख दुख के अनुभव करना, संकल्प विकल्प करना और फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये सब कहानी ठीक से जो समझ लेता है तो क्या समझ लेना है? समझ लेना यही है कि जीव यह व्यक्ति नहीं, यह जीवन है। देखो संतो, जहां पाप पुण्य की निर्मिति है, जहां कर्ता भोक्ता का भाव है, जहां आसक्ति काम क्रोध लोभ इसका दुराग्रह है, वह जीव भाव है। और यदि चिंतन करो तो पता चलेगा ये कहीं नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम अपने रिश्तों में आसक्त है, सब झूठ झूठ बात है, कोई किसी में आसक्त नहीं है। हम अपने देह में आसक्त नहीं है, यदि देह में आसक्त होते तो हम सो ही नहीं सकते, देह के साथ तादात्म्य छोड़ देते हैं तभी तो सोते हैं ना। तो किस में आसक्त है हम? आसक्ति अटैचमेंट इज एन इल्यूजन, इसको समझ लो। देखो जीवन में कैसा आनंद आता है, इस भ्रांति से चलना, इसी को जीव कहते हैं। तो कहते हैं यहां कि विद्वान जब इस चीज को जानता है तो कैसे जानना है, आप ध्यान से सुनना। आंखें रूप रंगों को प्रकाशित करती है, क्या आंखें या दृष्टि रूप रंग को आसक्त है? आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित कर रही है, इसीलिए किसी भी रूप रंग के प्रति आकर्षित नहीं है, आसक्त नहीं है। हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों को प्रकाशित करती है, कोई भी शब्द रहे, कारण किसी भी शब्द विशेष में आसक्त नहीं है। हमारा मन सभी प्रकार के विचारों को आधार देता है, सद्विचार दुर्विचार, लेकिन किसी भी एक विचार को पकड़ के नहीं रखता। और अंतिम हमारी जो शुद्ध स्वरूप चैतन्य है, यह जो चैतन्य किसी को भी आसक्त नहीं है। जागृत अवस्था आती है चली जाती है, चैतन्य ज्यों का त्यों। स्वप्न आता है चला जाता है, चैतन्य ज्यों का त्यों। सुषुप्ति आके चली जाती है, चैतन्य ज्यों का त्यों। समाधि लग के टूट जाती है, चैतन्य ज्यों का त्यों। यह जो अपना स्वरूप है ये किसी से आसक्त नहीं है, आसक्ति यह भ्रांति है। देखो संतो,
आसक्त न होकर के जीना यही अध्यात्म है। और आसक्ति का त्याग करना माने केवल समझदारी से, लेकिन हम ये समझदारी से दूर भाग गए हैं। इसीलिए कहते हैं जो एवं विद्वान प्राणम वेद न अस्य प्रजा हीयते। तो यह जो जीव है इसका जन्म क्या है, इसका जन्म वैसे ही है जैसे आदमी ने शादी करी तो पति का जन्म हो गया। अब ये जो पति जो जीव है ये किसके साथ आ सकता है मुझे बताओ? पत्नी के साथ आ सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे जीव यह एक कल्पना है, जैसे पति यह एक कल्पना है, वैसे पत्नी भी कल्पना ही है। इसीलिए जब डाइवोर्स हो जाता है तो कौन किससे अलग हो गया, दोनों साथ साथ बैठे हैं। और कहते हैं ही इज माय एक्स हस्बैंड, शी इज माय एक्स वाइफ, तो कौन दूर गया? देखो संतो, जीव नाम की वस्तु नहीं है, लेकिन जीव भाव में ऐसे फंस गए हैं। यदि आपको अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना हो तो कैसा करेंगे? प्रतिबिंब माने अपना मुख कमल और दर्पण और दर्पण में उपलब्ध प्रतिबिंब, इन तीनों को मिला करके प्रतिबिंब होता है। यदि दर्पण ना हो, यदि हमारा चेहरा ना हो तो प्रतिबिंब हो सकता है? देखो संतो, इसी प्रकार से पति कौन है? आदमी, दर्पण के जगह में पत्नी, और दुखी होने वाला प्रतिबिंब पति, तीनों को मिला करके पति पैदा होता है। इन तीनों में सत्य क्या है? पत्नी यदि चली गई तो पति कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो कभी था ही नहीं। तो इस पति में जैसे आदमी सत्य है, पत्नी में जैसे स्त्री सत्य है, इसी प्रकार से जीव में परमात्मा सत्य है। इस प्रकार से जो इस जीव की कहानी ठीक से समझ लेता है, देखो ये जो जीव का प्रसंग हमारे शास्त्रों में आता है ना, इसका एकमात्र कारण है कि हमको हमारा ध्यान देह से अलग पहले करवाना है। जब तक के देह के साथ ध्यान रहेगा तब तक के मैं पति भाई बहन माँ बाप सास ससुर इसी में फंसे रहेंगे। तो हमको अपने आप को देह से अलग करने का क्या तरीका है? तो कहते हैं कि हम सुखी दुखी है, तो फिर कहेंगे कि देखो तुम्हारे दुख का कारण तुमने पिछले जन्म में पाप किया होगा ना इसलिए। और हम बेवकूफ के जैसे मान लेते हैं, किसी को याद है पिछला जन्म क्या था? और यदि हमने पिछले जन्म में हम यदि थे अच्छा बुरा करने वाले, इस जन्म में जो अच्छा बुरा कर रहे उसको भुगतने के लिए अगला जन्म लेंगे तो हम मरे कब? तो ये मृत्यु से छुटकारा दिलाने का तरीका है ये। देखो महाराज, जिसने सिद्धांत को समझ लिया है वो मृत्यु से डरेगा नहीं। देखो हमको ये सिद्धांत समझ में आ गया कैसा, हम 7 तारीख को दोपहर को 3 बजे जयपुर में पैदा हुए, उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले हम दिल्ली में थे। दिल्ली में पैदा होने के पहले कहाँ थे? हम जगन्नाथपुरी में थे। तो जगन्नाथपुरी हमारे लिए मर गई, हम जो कहते हैं। फिर दिल्ली में पैदा हो गए, फिर दिल्ली को छोड़ा दिल्ली मर गई, फिर हम जयपुर में पैदा हो गए। और यहां पैदा होने के बाद अब हमको मालूम है परसों नरसों हमको जाना है, तो जब जाने का जैसा जैसा समय नजदीक आता है हम बड़े खुश हो गए, चलो निकल जाएंगे यहां से। और केवल हम ही खुश नहीं होते, हमारे अगल बगल वाले भी खुश होते, चलो जा रहे। देखो संतो, तो हम कब मरे? एक अंग्रेजी सिनेमा हमने देखा, आप लोगों को शो को तो देखिए,
उसमें का जो सिनेमा का चक्कर है वो छोड़ दीजिए, सिद्धांतों को पकड़ लीजिए। उसमें स्टोरी ऐसी है, दो पुलिस अफसर रहते हैं, एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं और दोनों में तू तू मैं मैं हो जाती है। तो एक पुलिस अफसर दूसरे को गोली से मार देता है, तो वो ऊपर से नीचे 20-40 मंजिली नीचे धड़ा से गिर गया। वो गिरने के बाद उठ जाता है और उसके अगल बगल का जितना है वो सब का सब फ्रोजन एकदम, जैसे मर गया, और वो चलते रहता है। बहुत लंबी कहानी है। और बाद में उसकी जो पत्नी थी वो भी मर जाती है, जैसे वो मर जाती है तो वो भी उठ के चलने लग जाती है। उसके अगल बगल में जो कुछ धुम धड़ाका हो गया वो सब का सब फिक्स हो गया, फ्रोजन हो गया। तो तात्पर्य क्या निकला, हम मरते हैं नहीं, हमारे लिए दुनिया मरती है, हम नहीं मरते। देखो महाराज, मृत्यु असंभव है। इस देहात्म भाव से हमको निवृत्त करने के लिए शास्त्र में कहते हैं कि तुम जीव हो, और हम आगे जाते ही नहीं उसके। ये जीव किसको कहते हैं महाराज बताइए? जीव 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 होता है। जीव क्या है? पापो हम पापो कर्मा हम, जो पाप करता है वो जीव है, पुण्य करता है जीव है। इसी में घुमाते रहते हैं। एक बड़े महात्मा हमारे बड़े अच्छे मित्र है और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, हमसे बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है। एक बार हम लोनावाला में थे तो कैसे वो आ गए हमारे पास, हम बैठे चाय पी, हमने चाय बनाई उनको पिलाई वगैरह, और बोले बोलिए महाराज कुछ पूछना है आपको। मैंने कहा एक पूछना है, ये जीव किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं मालूम है, जगत किसको कहते हैं मालूम है, जीव किसको कहते हैं। फिर उन्होंने जीव किसको कहते हैं इसका उत्तर देने के स्थान पर पिछला जन्म अगला जन्म पाप पुण्य धर्म अधर्म इसी में घुमाते रहे। हमने कहा प्रभु आपने जीव के बारे में कुछ बताया नहीं। देखो जहां आप जीव का इंक्वायरी करो जीव गायब हो जाता है। इसके लिए यहां कहा है, यहां एवं विद्वान प्राणम वेद न अस्य प्रजा ही यते, फिर उसकी प्रजा ही यते वो कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि पुत्र पौत्रादि लक्षणा ही यते छिद्यते, तो उसकी जो पुत्र पौत्र है वो बने रहेंगे। इसका मतलब ये समझ मत लेना कि हम यदि रियलाइज होगे तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे बेवकूफ रहेंगे, डोंट वरी, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। इसीलिए न अस्य प्रजा हीयते, पतिते च शरीरे प्राण सायुज्यम सायुज्यतया अमृतो अमरण धर्मा भवति। और जहां यह देह निकल गया गिर गया उसी समय यह जो प्राण है यह परमात्मा में मिल गया, वैसे ही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। ध्यान से सुनना, घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। क्या घटाकाश महाकाश अलग अलग थे? ये केवल कहने की बात है। इसी प्रकार से जीव होते हुए भी हम परमात्मा ही है, पति होते हुए भी हम आदमी ही है, पत्नी होते हुए भी हम स्त्री ही है। आदमी पति बनता है, पति आदमी नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि वो ऑलरेडी आदमी है, उसको बनने की कोई जरूरत नहीं। देखो इस प्रकार से आखिरी के मंत्र में कहते हैं, उत्पत्ति मायातिम स्थानम विभुत्वम च विभुत्वम चैव पंचदा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतमश्नुते विज्ञाय अमृतमश्नुते इति। तो यह जो तृतीय प्रश्न है उसका उपसंहार इसमें कहते हैं, ये जो है प्राण, प्राणस्य उत्पत्ति आयाति स्थानम विभुत्वम, कैसा ये प्राण का जन्म होता है, कैसे ये देह में प्रवेश करता है और कैसे कहाँ रहता है, किस प्रकार से सर्वव्यापी है, किस प्रकार से पांच प्रकार से देह में विभाजित होकर के रहता है, किस प्रकार से बाहर के जगत को धारण करता है, इसको जिसने समझ लिया और अपने स्वरूप में उतार लिया वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए यह जो जीव का प्रसंग है यह हमको संसार से मुक्त करने के लिए है, लेकिन हम इस जीव के प्रसंग को लेकर के संसार में और फंस जाते हैं। अब चतुर्थ प्रश्न आता है, अतः हैनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ, भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। हे भगवान, अतः हैनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ, अब सौर्यायणी गार्ग्य ने प्रश्न पूछा, कहते हैं पहले भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री है, प्रश्न त्रयेन अपर विद्या गोचरम सर्व परिसमाप्य संसार व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। तो पिछले तीन प्रश्नों में क्या विषय था, संसार का विषय था, और संसार क्या है, अनित्य है, वह नित्य नहीं है, उससे निकलने के लिए तीन प्रसंग है। देखो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक प्रकार का ज्ञान त्याग करने के लिए, दूसरे प्रकार का ज्ञान जीवन में उतारने के लिए। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये ज्ञान किस लिए है, अच्छा दैट मीन्स ये ऑथेंटिक पैकेट है, दो पैकेट और देना। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये इसलिए बताते हैं ताकि हम सिगरेट पीना बंद कर दें। इसी प्रकार से यह जो संसार जीव का प्रसंग है ये इसलिए है कि हम इसका त्याग कर दे, इसमें पड़े ना रहे। तो व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम, इसमें जो साध्य साधन है ये सब का सब केवल गड़बड़ झाला है, उसको त्याग देना है। अथ इदानीम असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पर विद्या गम्यम पुरुषाख्यम सभायाभ्यंतरम अजम वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभ्यते। अब ये बाकी की जो तीन प्रश्न है, चौथा पांचवा छठवा, इसमें इस जीव भाव का त्याग करके अपना स्वरूप जो है उसको पहचानने के लिए ना कुछ करने की आवश्यकता है ना कुछ देने की आवश्यकता है, केवल अपने स्वरूप को पहचानना मात्र है। देखो जो वस्तु क्रिया से कर्म से निर्माण होती है वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए समझो आप किसी स्तोत्र का पाठ करते हो, इसके जैसे पुरुष सूक्त का पाठ करवा, तो ये पाठ मन से हो रहा है, मन में जब तक शक्ति है तभी तक पाठ ठीक होगा। यदि आपने एक महीना बिल्कुल पाठ नहीं किया, तो जहां आपने एक महीना पाठ नहीं किया उसके बाद शुरू करो तो आप घूमते रहोगे, इधर का शब्द भूल गए उधर का भूल गए, क्योंकि ये सब प्रकृति में है और मन भी प्रकृति है, उसमें रहने वाली वस्तु स्थिर नहीं रह सकती। एक बार एक विद्यार्थी ने शिष्य गुरु से पूछा, महाराज जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल का आधार होता है? बोले हाँ। तो मन सूक्ष्म है अन्न स्थूल है? बोले बिल्कुल ठीक बात है। फिर अन्न हमारे मन को शक्ति प्रदान करता है, ये हम कैसे स्वीकार करें? बोले तुमने बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा, इसका उत्तर हम बाद में देंगे, अभी तुम ऐसे करो पुरुष सूत्र का पाठ करो। उसने पाठ किया, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष ए वेदकम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। पूरा पूरा पाठ कर लिया गुरु महाराज के, बहुत अच्छा तूने बहुत ही सुंदर पाठ किया, अब ऐसा करो आज से खाना और पानी बंद। अब शिष्य का खाना बंद हो गया पानी बंद हो गया, कितना दिन रहेगा? दो तीन दिन बड़े मुश्किल से रहा। गुरु महाराज ने देखा अब ये मरने में टिका है, बोले बेटा क्या है गुरु महाराज, उस दिन तुमने क्या कहा था, बहुत अच्छा कहा था, क्या था, पुरुष सूक्त कहा था? हाँ गुरु महाराज। अच्छा कहो। मैं नहीं कहूंगा। क्यों?
एक बार कहा था आपने मेरा खाना पानी बंद कर दिया। बोले एक बार कहे के तो देखो। और फिर उसने शुरू कर दिया, ओम सहस्र शीर्षा सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र शीर्षा। पता नहीं याद ही नहीं आ रहा है, क्या हो गया, याद क्यों नहीं आ रहा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करना थोड़ा थोड़ा जूस पी लेना, थोड़ा खा लेना, एकदम मत खाना, धीरे धीरे दो तीन दिन खाना। दो तीन दिन के बाद फिर उसको कहा अब फिर करो पुरुष सूत्र का पाठ। उसने फिर से बढ़िया किया। बोले लेकिन एक कंडीशन, मेरा खाना बंद मत करना। बोले नहीं, शुरू तो करो। फिर फटाफट फटाफट उसने बोल दिया। बोले समझ में आया, जब तुमने अन्न नहीं खाया था तो तुम्हारे मन की शक्ति कहां गई थी। देखो महाराज, प्रकृति में याद रखना भूलना संभव है, परमात्मा की याद नहीं रखते। मुझे ये बताइए, आप अन्य के विषय में यह कह सकते हैं मुझे वो याद है वो याद नहीं। क्या हम अपने बारे में कह सकते हैं मुझे याद है कि मैं हूं। देखो संतो, इसीलिए यहां कहते हैं अथ इदानीम असाध्य साधना लक्षणम। हमको साधना करके परमात्मा को निर्माण नहीं करना है, हमारा स्वरूप है ये केवल पहचानना मात्र है। लेकिन ये जो साधना करने में लगे होते इतने दुराग्रही बन जाते हैं, और ये समझ में नहीं आता कि हमको जिंदगी भर में KG1 KG2 में नहीं रहना है, कभी तो बड़े होना है। जैसे बच्चे छोटे थे उस समय हमको जब पढ़ाते थे तो कैसे पढ़ाते थे, उंगलियों से एक और एक दो, फिर एक और एक दो तीन, तो कितना सुंदर दिखता है छोटा सा बच्चा जब ये करता है। तब अब बड़ा होने के बाद भी यदि बच्चा ऐसा ही कहे एक एक और एक दो, एक और मिला दो एक दो तीन, तो अच्छा दिखेगा। इसी प्रकार से जो बचपन से करते आ रहे वे कबे बेदुने चार कब तक करते रहोगे, सब अपने आप गल जाता है। जैसे कोई भी फल जब कच्चा होता है तब पेट को चिपक के रहता है, जैसे ये फल परिपक्व हो जाता है अपने आप मूल पेट से अलग हो गया। इसी प्रकार से साधना यदि परिपक्व हो गई, ध्यान से सुनना, साधना यदि परिपक्व हो गई तो जो आलंबन लेकर के हम साधना करते थे वो सब के सब आलंबन अपने आप गल जाते हैं, कुछ रहता नहीं। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज वृंदावन के मस्त राम थे, भक्ति कहो ज्ञान कहो योग कहो किसी में भी कहो, सब में एकदम मस्त थे। और उनको कहते लोग बाबा चलो बिहारी जी के दर्शन को जाते, चलो चले गए। कहाँ है बिहारी, यहाँ खड़े, तो यहाँ खड़े हो गए। तो चलो वापस चले, चलो वापस चले। तो एक बार उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी आप बिहारी जी में आते हो आप नमस्कार नहीं करते, तो लोग कहते देखो कैसे महात्मा है बिहारी जी को नमस्कार नहीं करते। तो उन्होंने उसको डांटा, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे नमस्कार करो करके, तुम तो ले गए थे ना। देखो उनको ये भी भान नहीं है कि वो भगवान के सामने खड़े हैं और उनको नमस्कार करना है। देखो संतो, बाहर के आलंबन अपने आप गल जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए यहां कहते हैं कि यह जो अदानीम असाध्य साधन लक्षणम, ये साधना के द्वारा सिद्ध नहीं होता। भगवान का नाम लेने से भगवान नहीं मिलते, भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं। भगवान की कृपा तब होती है जब हमारे प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। जब तक के द्रौपदी चिल्ला रही थी अपने कपड़ों को पकड़ करके कन्हैया आ जाओ कन्हैया आ जाओ, भगवान मजा देख रहे थे। जब उसने सभी प्रयत्न छोड़ दिए तभी भगवान प्रकट हो गए। महाराज ये जो मैं है, इस मैं का संबंध प्रयत्न से होता है। इन प्रयत्न से हम अपने आप को मुक्त करना है। योग साधना में यही बताते प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम, जब तक के प्रयत्न है तब तक मैं है,
और ये सहजता तब आती है जब परिपक्वता होती है, और ये परिपक्वता तब होती है जब साधना सिंसियरली करी जाती है। तो अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अकृत्रिमम, तो यह जो अपना स्वरूप है अकृत्रिम, जो कृत्रिम नहीं है वो स्वरूप है, वो पर विद्यागम्य, वो पराविद्या के द्वारा है, सवायाभ्यंतरम अजम, जो जिसमें अंदर बाहर का भेद नहीं है, जो अजन्मा है, इस तत्व को बताने के लिए अब यह तीन प्रकार के प्रश्न जो है चौथा पांचवा ये पूछते हैं। एक मुंडकोपनिषद में मंत्र आता है यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः, उसका संदर्भ देके कहते हैं कि तत्र सुदीप्तादि वा अग्ने यस्मात् परात् अक्षरा सर्वे भावा विस्फुलिंगाः इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति युक्तम द्वितीय मुंडके, के ते सर्वे भावा अक्षरा विभज्यते कथम वा विभक्ता संता तत्रैव अपियन्ति किम लक्षणम तर अक्षरमिति एतद् विवक्षया अधुना प्रश्नान् उद्भावयति। वहां प्रश्न आता है कि जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया तो उसमें से भिन्न भिन्न स्फुल्लिंग निकल आते हैं और फिर उस अग्नि में वापस चले जाते हैं, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा से यह जो जीव है माने विस्फुल्लिंग के जैसे बाहर आते हैं और फिर उसी में वापस चले जाते हैं, तो ये कैसे है, यह तत्व क्या है जहाँ से ये संपूर्ण सृष्टि जीव इत्यादि निर्माण हुए, उसको बताने के लिए अब यह चौथा प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या है, भगवान एतस्मिन् पुरुषे शिरः पाण्यादिमति कानि कर्णानि स्वपन्ति स्वापं कुर्वन्ति। तो इस विद्यार्थी का प्रश्न था कि हे भगवान, इस शरीर में जो इस मनुष्य का देह है, इसमें कौन से इंद्रिय है जो सोते है व्यापारात् उपरमन्ते, कानि च अस्मिन् जागृति, और जब बाकी सो रहे तो इस देह में कौन जगता है, निद्रावस्थाम स्व व्यापारम कुर्वन्ति, सब सो रहे लेकिन कोई तो भी ऐसा है जो इसमें व्यापार कर रहा है जिसके कारण ये देह मरता नहीं। कतर कार्य कारण लक्षण यो हो एव देवा स्वप्नान पश्यति, और इस देह में स्वप्न कौन देखता है, क्योंकि देह तो सो गया है, इंद्रिय सो गए हैं, कोई तो भी जगा है, तो स्वप्न कौन देखता है। स्वप्नो नाम जागृत दर्शन निवृत्त से जागृत अंत शरीर या दर्शनम, तो जागृत के जो अनुभव है उसके संस्कारों से जो जागृत के अनुभूति के रहित जो अनुभूति है उसको स्वप्न कहते हैं। यह स्वप्न कौन देखता है, तत् किम कार्य लक्षणेन देवन निवर्तते किं वा करण लक्षणेन केनचित इति अभिप्रायः। तो यह जो स्वप्न इंद्रिय देख रहे हैं कि मन देख रहा है, स्वप्न कौन देखता है ये बताइए। उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारी यद प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम कस्य एव इति एतद् भवति। और ये बताइए, जब जागृत स्वप्न दोनों खत्म हो गए तो सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद का अनुभव आता है किसको आता है, किसको ये आनंद होता है। तस्मिन् काले जागृत स्वप्न व्यापारात् उपरतः संतः कस्मिन्नु सर्वे सम्यक एकीभूता, और बाकी के सभी जितने हैं ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मधुनी रसव समुद्र प्रविष्ट नद्य वच्चे इति विवेकानाहरः प्रतिष्ठिता भवन्ति संगता संप्रतिष्ठिता भवन्ति इत्यर्थः। जैसे सभी की सभी नदियाँ वापस जब समुद्र में लौट के आती है तो एक हो जाती है, इसी प्रकार से ये सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इत्यादि ये कहाँ चले जाते हैं गहरी नींद में, इस प्रकार से इस विद्यार्थी के प्रश्न है। अब ये इंद्रियों का जो लय स्थान है, सभी के सभी इंद्रिय कहाँ चले जाते हैं नींद में, इसका उत्तर देते हैं। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचया अर्कस्य अस्तम गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एव हि एवं वैस् तत्सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति तेन तर्हि एष पुरुषा न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेनायते स्वपिति इति आचक्षते।
तो कहते कि हे गार्ग्य, देखो जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य की सभी किरणें सूर्य में वापस चली जाती है और फिर सूर्य का उदय होने से फिर वहां से बाहर निकल के आती है। उसी प्रकार से यह सभी के सभी जो इंद्रिय गण है ये उसी परेत परादेव कौन सा है तो मनसी, यह जो मन है इसमें सभी के सभी इंद्रिय वापस चले जाते हैं और चूंकि इंद्रिय सब मन में वापस चले गए इसीलिए सोते समय यह जो पुरुष है न श्रुणोति, ना वो सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना चखता है, ना स्पर्श करता है, ना बोलता है, ना पकड़ता है, ना छोड़ता है, ना कुछ करता है। उस समय कहते हैं कि अब यह आदमी सो गया। ध्यान से सुनना, रूप रंग से निवृत्त दृष्टि अपने गोलक में आ गई। गोलक से निवृत्त होने के बाद यह दृष्टि मन में चली जाती है। देखो हमारा ये जो स्टैंड है ना टेलीस्कोपिक, ऐसा खींचो तो लंबा हो जाता है, दबाओ तो छोटा हो गया। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, चैतन्य को खींचा जीवन, जीवन को खींचा मन, मन को खींचा आंखों से निकाला दृष्टि, मन को खींचा कान से निकाला श्रवण शक्ति, मन को खींचा नाक से निकाला घ्राण शक्ति। इसी प्रकार उल्टे चले जाओ, रूप रंग से हटाओ दृष्टि में आ गए, दृष्टि को बंद करो मन में आ गए, मन को बंद करो जीवन में आ गए, जीवन को शांत होने दो चैतन्य में पहुंच गए। यह जो मार्ग क्रमण है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, सोने के पहले हम खूब गड़बड़ करते थे, सो गए तो क्या मर गए, खत्म हो गए, नहीं अव्यक्त हो गए और फिर दूसरा दिन उठा फिर व्यक्त हो गए। तो सोने के पहले हम भिखारी थे तो जगने के बाद दूसरे दिन अमीर थोड़ी बनेंगे, सोने के पहले हम डॉक्टर थे उठने के बाद दूसरे दिन इंजीनियर थोड़ी बनेंगे। तो वही जो अंदर गया वही बाहर आ रहा, ये चला चली का खेला है, ये अखंड चल रहा है महाराज। इस प्रकार से ये सभी के सभी इंद्रियों का लय स्थान मन मात्र है, मन में ही ये सब कुछ इंद्रिय वापस चले आते हैं। आगे कहते हैं प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति, तो कौन सोता है ये प्रश्न था, तो कहते हैं ये सभी के सभी जो इंद्रिय है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ये सो जाते हैं, मन में वापस चले जाते हैं। अब जगता कौन है गहरी नींद में, तो कहते हैं प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति, जो प्राण है वह इस देह में जगते हैं, प्राण सोते नहीं। इसीलिए जब आदमी सोता है तो उसका डाइजेशन चलते रहता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता है, उसके नाखून बढ़ते हैं, उसके बाल बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ प्राण है जीवन है लेकिन व्यक्ति नहीं है क्योंकि मन शांत हो गया। देखो आप लोगों ने भागवत तो पढ़ाई है सुनाई है, उसमें पुरंजन आख्यान आता है, उस पुरंजन आख्यान में भी यही बात आती है। उसी प्रकार से जो दूसरा ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य उसमें भी यही कथा आती है भिन्न भिन्न प्रकार से। तो गहरी नींद में सभी के सभी इंद्रिय मन में चले गए, मन सो गया, लेकिन जो पांच प्राण है ये पांच प्राण ये देह को चलाते रहते हैं। तो उन्होंने ये पांच प्रकार के जो प्राण है प्राण अपान व्यान उदान समान, इनको उन्होंने जैसे अग्निहोत्र करते हैं अग्निहोत्र के अनुसार उसको जोड़ा है। हम लोगों ने अग्निहोत्र किया नहीं इसलिए ये समझना अपने को कुछ ऐसे नहीं लगता कि क्लिक हो गया, क्योंकि कभी अग्निहोत्र किया ही नहीं। जैसे कहते हैं गार्ह पत्ते एशो वा अपानहा, अब गार्ह पत्ते अग्नि कौन सा है, कभी किया ही नहीं, बीड़ी पीनी के सिवा दूसरा कोई अग्नि मालूम नहीं, इसीलिए ये क्या है अपान ये पता नहीं। व्यानो अन्वाह पचनः यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनान् आह्वनीया प्राणः, इस प्रकार से ये पांच प्रकार के अग्नि कर्मकांड में है, ये पांच प्रकार के प्राण है। फिर यद उच्छ्वास निश्वास एतौ आहुतिम समम नयति सब समानः,
तो जो श्वास उश्वास है ये सब आहुतियों को ठीक से करता है, इसलिए उसको समान वायु कहते हैं। मनो हवा व यजमान, और ये जो यज्ञ कार्य चल रहा है इसका यजमान कौन है, इसका यजमान मन है। और इष्टफलम एव उदानहा, और ये मन को इष्ट फल देने का कौन काम करता है, ये उदान वायु है। स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, फिर ये जो यजमान यज्ञ कुंड कर चल रहा है किस लिए करता है, वो कुछ फल प्राप्ति के लिए। फल प्राप्ति क्या है, आनंद। इसीलिए ये यजमान मन जब यह अग्नि की उपासना चल रही है प्राणवायु के द्वारा, तब यह मन ब्रह्म में वापस लौट आता है। इसीलिए यह शरीर जो है गहरी नींद में सभी इंद्रिय शांत होके मन में इकट्ठी हो जाती है, प्राण चलते रहते हैं, और यह मन जो है अपने स्वरूप में आनंद में गहरी नींद में लौट के आता है। लेकिन कई बार पूरी तरह से नहीं आता। तो अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति, यद्दृष्टम यद्दृष्टम अनुपश्यति, श्रुतम श्रुतिमेवार्थ अनुशृणोति, दिग्देशांतरिश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टम चा दृष्टम च श्रुतम चा श्रुतम च अनुभूतम चा अनुभूतम च सच्चा सच्च सर्वं पश्यति सर्वा पश्यति। फिर यह जो देव मन है ये जागृत अवस्था में जो संस्कार हो गए उनके अनुसार अपनी ही महिमा का अनुभव करता है। जो देखा था उसको देखता है, जो नहीं देखा था उसको भी देखता है, जो सुना था उसको सुनता है, जो नहीं सुना था उसको भी सुनता है। इस प्रकार से जो है जो नहीं है सबको देखता है, और सभी वही होकर के रहता है। मन ही सब कुछ बनता है। यह हो गई स्वप्न की स्थिति। और यदा स तेजसी अभिभूतः भवति एष देवः स्वप्नान् न पश्यति अथ तद् एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति। और जब यह स्वप्न का व्यापार पूरा हो गया तब यह जो देव है यह जो मन है स्वप्न को नहीं देखता है, और फिर एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति, फिर इसी शरीर में उस आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, सुखम भवति आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद को अनुभव करने वाला व्यक्तित्व पैदा नहीं होता। देखो, जागृत अवस्था में भोग करने वाला भोक्ता पैदा होता है, कर्म करने वाला कर्ता पैदा होता है, देखने वाला दृष्टा पैदा होता है, जानने वाला ज्ञाता पैदा होता है। गहरी नींद में यह आनंद का अनुभव जब होता है तब उसको आनंद का अनुभव लेने वाला पैदा नहीं होता। एतस्मिन् शरीरे सुखम भवति, इसीलिए ब्रह्मानंद वो है जिसमें भोक्ता पैदा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान वो है जिसमें ज्ञाता पैदा नहीं होता। ब्रह्म कर्म वो है जिसमें कर्ता नहीं होता। ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो, तो यह व्यक्तित्व के अभाव में जो अनुभूति है वही परमात्मा है। इस प्रकार से यह जो जीव भाव है इससे हट करके हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आवे, इसीलिए जीव का प्रसंग यहाँ विस्तार से बताया है। अब एतस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। तो इस गहरी नींद में फिर क्या हो जाता है कि अविद्या काम कर्म के कारण, देखो जिसको हृदय ग्रंथि कहते हैं शास्त्रों में, उसको कहते हैं अविद्या काम कर्म। अविद्या माने अपने बारे में अपूर्ण जानकारी, उसके कारण मन में विक्षेप, उन विक्षेपों को कहते हैं कामना काम, और काम के द्वारा प्रभावित होकर के मनुष्य कर्म में लग जाता है। तो ये अविद्या काम कर्म यही हृदय ग्रंथि है। इस ग्रंथि का मूल अविद्या, अपने आप को ठीक से नहीं पहचानना। जहां आपने अपने आप को ठीक पहचाने गए कोई मन में इच्छा नहीं हो सकती। देखो ये बहुत सिंपल रोज का अनुभव है अपना। जब तक के हम इस सत्संग हॉल में नहीं आते तब तक के मन में इच्छा होती है जल्दी जाना, लेट तो नहीं हो रहे, कुछ हो रहा, क्या हो रहा। यहां पहुंच गए, यहां आने की इच्छा खत्म हो गई। देखो
देखो इच्छा का राहित्य यही परमात्मा की उपलब्धि है। मन में एक भी इच्छा हो हम अपने आप से दूर भटकेंगे, एक भी इच्छा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब मर्त्य, जब जीवन, यह जो व्यक्ति है यह अपने हृदय में एक भी मजाक के लिए भी कोई इच्छा नहीं रखता, इच्छा रहित जीवन को परमात्मा कहते हैं। और जिस देह से परमात्मा प्रकट होते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं। देखो हम लोग से एक आत्मा है, थिएटर में बैठे हैं ना, सो जा राजकुमारी, छोटे आत्मा मत बनो महाराज, महात्मा रहो। महात्मा वही है जिसके हृदय से परमात्मा प्रकट होते हैं। अच्छा, सर्वानी कार्य करणानी शांतानी भवंती, वो सभी के सभी शांत हो गए। उसके पश्चात तेषु शांतेषु आत्मस्वरूप उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमान अद्वयमेकम शिवम शांतम भवती। तो इस स्थिति में जब वो सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि सब शांत हो गए तो उसमें आत्मस्वरूप उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमानम, तो यह उपाधि के कारण जो अन्य की प्रतीति होती थी वो सब शांत होने के कारण अद्वयम एकम शिवम शांतम भवती। फिर वो अपने आप को पहचानता है कि मैं एक हूँ, एकमात्र हूँ, अन्य है ही नहीं, इसीलिए शांत हूँ, इसीलिए पवित्र हूँ, ये अनुभूति होती है। देखो यदि आप बैठे हो, आपके अगल बगल में सब लोग बैठे हैं, तो पोते हैं, पत्नी है, सास है, बहू है, बच्चे हैं, सब बैठे, तो आपको अनुभव क्या होगा, आप बटे हो। इधर से पोते ने बुलाया, दादाजी आप क्या कर रहे हैं, तुरंत एक आपका भाग निकल के बच्चे के पास गया। उधर से पत्नी कहती है, कुछ तो काम किया करो, उठो, तो एकदम वहां दूसरे गए। तो हमारा पूरा जो देह है, हमारा व्यक्तित्व है, बिखर जाता है। अब ये सबके बीच में बैठो, बोलना किसी को नहीं, और अपने मन में खेलते रहो, इस समय मैं केवल आदमी हूं। तो पत्नी ने डांटा, तो ये तो पति को डांट रही, मुझे थोड़ी डांट रही है। बच्चे ने कुछ कहा, दादाजी ये तो दादाजी को कह रहा, मैं थोड़ी दादाजी हूं, मैं तो आदमी हूं। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, सबकी ममता ताग बटोरी। कितने बिखर गए हैं हम। दादाजी बनकर के विचार करोगे तो पोते के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे, पति बनकर के पत्नी के साथ रहोगे तो कंटिन्यूसली डांट खानी पड़ेगी, बच्चे के साथ बाप बनकर के रहोगे तो परेशान रहना पड़ेगा। इन सब उपाधियों का त्याग कर दो, आदमी बनकर के रहो, मजे में रहोगे। फिर इन लोगों को परेशानी होगी, इनको तो कुछ होता ही नहीं, आपको शांत है, कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। देखो महाराज, जीवन में इतना आनंद आ जाता है। एक हमारे मित्र है, उनके यहां हम गए तो उनकी पत्नी ने हमको बहुत डांटा, स्वामी जी आपने हमारे इनको बिगाड़ दिया है। तो मैं चुप हो गया। माताओं के साथ आर्गुमेंट कभी नहीं करना चाहिए। जहां भगवान यमराज हार गए, देखो सावित्री के साथ आर्गुमेंट करते करते यमराज हार गए और सत्यवान को लौटाना पड़ा। इसीलिए स्त्री के साथ कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं चुप था वहां। फिर उन्होंने कहा कि देखो आपने इनको ऐसा बिगाड़ के रखा है। पहले बोले हम लोग बात करते थे, डिस्कस करते थे, आजकल ये कुछ करते ही नहीं, ऐसे हो गया कि जैसे बिना नमक का खाना चल रहा।
पहले मैं कुछ कहती हूँ ऐसे मत करो फिर वैसा करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तुमको समझ में नहीं आता कैसे, आजकल पता नहीं इनको क्या हो गया, कुछ भी बोले ठीक है और करते कुछ नहीं ठीक है कहते नहीं यही तो सिद्धांत है, जगत भी शांत रहो महाराज। धीरे धीरे आप देखो कितना आनंद आता है। फिर एक आपको मंत्र प्राप्त होगा, वो मंत्र है क्या फर्क पड़ता है। इस मंत्र की दीक्षा हमने कई लोगों को दी, आपको लेनी है तो ले लो, बहुत जीवन में फर्क पड़ेगा। अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट पर रखो, 3 बार हम कहेंगे हमारे बात कहो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हो गई दीक्षा। दीक्षा मिलने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये जो आनंद है ना इसको ब्रह्मानंद कहते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला दुनिया में, देखो ठीक है मैं वैसे ही करूं, बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है। मन एकदम सभी बोझों से एकदम निकल जाता है। किसी भी चीज का प्रेस्टीज ना बनावे, वी टेक अवर लाइफ सो सीरियसली, नोबडी टेक्स अस सीरियसली, व्हाई शुड वी टेक सीरियसली। देखो हम अपने को इतना सीरियस लेते, लोग अपने को सीरियस ले तो बात ठीक है, हम अपने को सीरियस ले रहे, टेक इट लाइटली। तो आगे कहते यह शिवम शांतम भवती, इस अवस्था में व्यक्ति अपने स्वरूप में लौट के आता है। तो यह पृथ्वी व्याधि अविद्या कृत माता अनुप्रवेशेन दर्शयितुम दृष्टांतम आह। तो ये जितने भी इंद्रिय इत्यादि वो उनका क्या होता है, कहते स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वही तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। जैसे शाम के समय सभी के सभी पक्षी अपने पेड़ में वापस लौट के आते हैं, इसी प्रकार से यह सब का सब जितना भी इसका विस्तार है वो अपने ही स्वरूप में वापस लौट के आता है। कौन किस में लौट के आता है, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आप मात्रा च तेजस्त तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च आकाशश्च आकाश मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यम च श्रोतव्यम च श्रोतव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च रसश्च रसयितव्यम च त्यक् त्वक् च स्पर्शयितव्यम च वाक् च वक्तव्यम च हस्तौ दातव्यम च उपस्थश्च आनंदयितव्यम च पायुश्च विसर्जयितव्यम च पादौ च गन्तव्यम च मनश्च मन्तव्यम च बुद्धिश्च बोद्धव्यम च अहंकारश्च अहंकर्तव्यश्च चित्तम च चेतयितव्यश्च तेजश्च विद्योतयितव्यश्च प्राणश्च विधारयितव्यश्च। तो जो जो कारण है उसमें सब वापस आ जाते। पृथ्वी पृथ्वी तत्व में वापस आ गई, पृथ्वी तत्व से ही इंद्रिय बने, इंद्रिय से ही प्राण इत्यादि, इन्हीं से मन, ये सब का सब अपने आप में परमात्मा में वापस आ जाता है। तस्मात आत्मनः आकाश संभूता, परमात्मा से 5 महाभूत निकले, आकाश वायु इत्यादि। हर एक महाभूत में 3 गुण है, सत्व रजस तमस। सत्व गुण से ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण बनता है, रजोगुण से कर्मेंद्रिय और प्राण शक्ति बनती है, और तमोगुण से स्थूल द्रव्यात्मक देह बनता है। तो जो आकाश तत्व है उसके सत्व गुण से श्रवणेंद्रिय बना और इसका विषय है शब्द। वायु जो है उसके सत्व गुण से त्वगेंद्रिय बना जिसका विषय है स्पर्श। तेज जो है उसका जो सत्व गुण है उससे दृष्टि बनी, उसका विषय है रूप रंग। जो पानी है, जल है, जल का जो विषय है वो है रस, और उससे रसना बनी है उसके तन्मात्र से। इसी प्रकार से पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, उस गंध तन्मात्रा से हमारे घ्राणेन्द्रिय बना है, और जिसका विषय है सूंघना,
इस प्रकार से पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच ये महाभूतों से सत्व गुण से बने हैं। उसी क्रम में रजोगुण से कर्मेंद्रिय और तमोगुण से यह स्थूल देह बना है। तो ये सब का सब वापस उसी में चला जाता है। देखो, जब ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है ना, तब आपकी जगत की तरफ देखने की दृष्टि बदल जाती है। हमको दुनिया के बारे में तो सब कुछ मालूम है, अपने ही बारे में मालूम नहीं। तो यह जो पृथ्वी और पृथ्वी तन्मात्रा, आप की तन्मात्रा, फिर उसके इंद्रिय इत्यादि अपने अपने में वापस चले जाते हैं। और एच ही दृष्टा स्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मी संप्रतिष्ठते। इनको धारण करने वाला, यह जो देखने वाला, सूंघने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, चलने वाला, बोलने वाला, चखने वाला, ये जो व्यक्तित्व था, ये भी परे आत्मनि, इस परमात्मा में अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये भी वापस आ जाता है। माने पति बनने के बाद सुख दुख भोगने वाला जो पति था, यह पति फिर आदमी में वापस आ गया। देखो, वही आदमी जब दादा बना था तो पोते के कारण परेशान होने वाला, फिर वो पोते को छोड़ दिया, सुख दुख को छोड़ दे, दादा बन गया, दादा को छोड़ दिया, आदमी बन गया और आदमी में वापस आ गया। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व उसी एक तत्व में वापस आ जाता है। ध्यान से सुनना, और वह एक तत्व हम है, कोई अन्य नहीं। देखो, मैं एव सकलम जातम, मैं सर्वम प्रतिष्ठितम, मैं सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। सबका सब मुझ में ही प्रकट हो रहा है। यदि मैं नहीं तो दुनिया नहीं, मैं नहीं तो पति पत्नी भाई बहन नहीं, मैं नहीं तो धर्म अधर्म नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इस संपूर्ण विश्व का आधार यह मैं है। लेकिन ये मैं कौन है, इसी को हमने कभी पहचाना नहीं। हमारे लिए मैं माने मैं बूढ़ा देह, मैं माने मैं भूखा प्राण, मैं माने मैं दुखी मन, मैं माने मैं सक्सेसफुल विज्ञानमय कोशा, मैं माने पापात्मा पुण्यात्मा जीव। अरे महाराज, कितने मैं हो, अंदर में एक मैं थोड़ी है। वहां तो एक पोल्ट्री फार्म बैठा हुआ है, एक दूसरे से कॉक 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 चल रहा है। उसने ऐसा कहा था, फिर मुझसे कंफ्यूज क्यों क्या मुझे। देखो, एक रहो अंदर में। इसीलिए ये ट्राई करना है, डिफरेंट टेक्निक्स ध्यान की, बैठे हैं अब आप खेलो आदमी आदमी, मैं केवल आदमी हूं। ये आदमी से निकली हुई चिंगारियां जो है ना, पति पिता पुत्र दादा मामा चाचा सब गायब। देखो, बिना कुछ के आपका मन देखो कैसे इस समय। आपने दान धर्म नहीं किया, आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आपने सत्कर्म नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, केवल अपने विचारों को ठीक किया है। जब हम ये भावना कर सकते हैं कि मैं देह हूं, भावना ही तो है ये, मैं देह हूं, तो ऐसी भावना क्यों ना करें मैं ब्रह्म हूं। मैं देह हूं ये भावना का क्या लक्षण है? जगत के विषयों के प्रति आकर्षण, सुख दुख की उपलब्धि। और मैं देह नहीं हूं इसका क्या अर्थ होगा? जगत के प्रति आकर्षण समाप्त, सुख दुख की निवृत्ति।
तो फिर सुख दुख की निवृत्ति जिसको होती है वो ब्रह्म मैं हूं, तो ब्रह्म ब्रह्म खेलना शुरू कर दो 10 मिनट के लिए, भाई कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं ब्रह्म हूं। हाँ बैठे मस्त ट्राई करो, बिना किसी प्रयत्न के आप ध्यान में जीने लगोगे। फिर ध्यान करेंगे नहीं, हम ध्यान में जिएंगे। अभी हमारी स्थिति क्या है, 5 मिनट मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। हमको 24 घंटे में 24 घंटे मेडिटेशन में रहना है। जागृत पुरुष केवल जागृत में रहता है, स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न में रहता है, सुषुप्त पुरुष केवल सुषुप्ति में रहता है, लेकिन ध्यान मय पुरुष तीनों में रहता है और तीनों के परे रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।